देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी में स्नान करने गए एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति पर नहाने गए 4 लोग एक ही परिवार के बताए गए हैं, जिनमें से एक युवती सहित नाबालिग की मौत हो गई है। दरअसल यह घटना मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला स्थित सीहोर चौकी क्षेत्र की है। घटना को लेकर जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि कौरव परिवार के 4 लोग आज भावरछीर के पास लिंगा घाट नर्मदा में नहाने गए हुए थे। बताया गया कि घाट में स्नान करने के दौरान एक ही परिवार के 4 युवक युवतियां गहरे पानी में डूबने लगे, जिनमें से 2 को तो स्थानीय लोगों द्वारा बचा लिया गया, जबकि 2 लोग नदी की गहराई में समा गए। बताया जा रहा है कि नदी में डूबने वालों में एक युवती और एक किशोर शामिल है, जिनकी पहचान ऋतु कौरव 21 वर्ष व अभिराव कौरव 12 वर्ष के रूप में की गई है। कैसे हुई ये घटना? घटना 5 लोग सीधे नर्मदा में डूबल लगे, तो 5 लोगों का जो हम दौड़े, अकेले हम दौड़े थे, जान के पहुँचे वहाँ, 5 लोगों के हम बचा नहीं पाए। फिर वो लोग भी आए, फिर आधा घंटा हो गया, इसके बाद नाव आई, 3 लोगों को बचा पाए, 2 लोग नहीं मिल पाए। कैसे वो डूब ही गए थे? हम इनके पास में थे, सब लोगों के पास में खड़े। गहराई है यहाँ पे बहुत अधिक। किस जगह पे ये घटना हुई थी? जेलंगा घाट पे, जे सामने बिल्कुल बीचों बीच जहाँ रेता खिसल रही है। अभी आप कहाँ, वहीं खड़े हैं क्या? हाँ वहीं खड़े हैं, बिल्कुल वहीं खड़े, जब तभी से वहीं हैं। सुबह यहाँ लिंगा खुर्द घाट पे, जो नर्मदा जी का घाट पड़ता है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी, और जो दर्शनार्थी आए थे वो कुछ बच्चे थे, और वो उस कॉर्नर पर जाकर अपना स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते जो बच्चों का ग्रुप था, उसमें से लगभग सभी डूबने की स्थिति में थे, उन्होंने चिल्लाया, तो गांव के लोगों ने जो वहां पे उपस्थित थे, 3 लोगों को बचाने में उन्होंने रेस्क्यू किया। 2 बच्चे अनफॉर्चुनेट वो नहीं बच पाए और वहीं पर वो डूब गए। यहां पर लोकल स्तर पे थाना प्रभारी जो सिहोरा है वो पहुंच गए थे, SDA कार्यपालिक दंडाधिकारी शिवहरे मैडम है वो भी पहुंच गई थी। सूचना मिलने के पश्चात मैं भी पहुंचा हूं, रेस्क्यू टीम आ गई है, क्योंकि रेस्क्यू टीम भरमान मेला में भी चल रही है, और सेकेंडली जो रेस्क्यू टीम है वो नरसिंहपुर से बुलवाई गई है आपको, और उसको तैयार करके नदी में डाल। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम लेट आई है, मतलब ढील इसकी? यहाँ पर जो लोकल गोताखोर हैं उनकी सहायता ली गई, तो उस समय जो 3 बच्चों को बचाया गया। रेस्क्यू टीम चूंकि बरमान मेला चल रहा है वहाँ पर थी, छोटे छोटे घाटों पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाई है, और वहीं से 4 लड़के बुलाए गए हैं नरसिंहपुर से, जो उपकरण है रेस्क्यू के वो सभी गाड़ी में 407 में लाकर रेस्क्यू किया जा रहा है।